सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं अपने आप में आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं मानव मूल्य की कड़ी में मध्यस्थ दर्शन की विचारधारा को लेकर उपस्थित हुआ हूं और इस मध्यस्थ दर्शन की विचारधारा में विभिन्न लेक्चरों के माध्यम से आपके सम्मुख रखने की कोशिश करूंगा और यह जानने का प्रयास करूंगा कि हम कैसे सुख और समृद्धि की निरंतरता में मानव संबंधों में जीते हुए मूल्यों में जीते हुए रह सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं कि ह्यूमन वैल्यू का में जो मध्यस्थ दर्शन है वो क्या है, उसकी क्या महत्व है और उस नजरिए से जीवन को जीने मूल्यों के साथ जीवन को किस प्रकार जिया जा सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से संभव है। तो ये जो हमारा कोर्स है ह्यूमन वैल्यू इन मध्यस्थ दर्शन, जिसको लेके हम चल रहे हैं, इस कंटेंट में हम प्रथम लेक्चर को लेके आपके सम्मुख उपस्थित हैं, जिसमें हम पहला जो हमारा लेक्चर है वह मध्यस्थ दर्शन के विषय में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि क्या है, क्या क्या चीजें हम देखना चाहेंगे। ये जो पूरा कोर्स है, इस कोर्स में औपचारिक रूप से आपका मैं स्वागत करता हूं और चाहता हूं इस कोर्स में आप जुड़े देखें, समझें और जीने का प्रयास करें। पूरे कोर्स को 42 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यह लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 42 तक जाएगा, तब जाके मध्यस्थ दर्शन समाप्त होगा। और इस कोर्स के दरमियान ज्ञान की वृद्धि के लिए और समझ के लिए हम जो है आपको कुछ असाइनमेंट भी कार्य के रूप में देंगे और इस कार्य के माध्यम से ये कोर्स है, इस कोर्स को समझने में और अच्छाई होगी, अच्छे से समझ पाएंगे। और एक बार जब अच्छे से समझ पाएंगे तो मानव मूल्यों के साथ जीकर सुख और समृद्धि की निरंतरता के भाव में रह पाएंगे। इस पूरे जो 42 लेक्चर्स के प्रोग्राम है मेरे पास, इसमें से सबसे पहले हम 5 लेक्चरों से आपको परिचित करा दे रहे हैं। इस 5 लेक्चरों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानव मूल्य क्या है और आज के संदर्भ में मानव मूल्य का की प्रासंगिकता है या नहीं है, या जैसे हम जी रहे हैं वही सही है, या मानव मूल्य की जीने के लिए प्रासंगिकता बची हुई है, या इसी के द्वारा ही हम जी सकते हैं।
और ऐसा देखते हुए हम लोग मूल्यों का दर्शन से संबंध क्या, ह्यूमन वैल्यू का फिलॉसफी से क्या रिलेशन है, इस विषय पे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जो ये पांचों लेक्चर हुए इसमें, जिसमें पहले लेक्चर जिस लेक्चर को लेकर उपस्थित होंगे, इसमें मानव मूल्य का तात्पर्य और इसकी आवश्यकता या प्रासंगिकता पे क्यों जरूरी है, इसका तात्पर्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे लेक्चर को जो मैं लेके आऊंगा, तो क्यों इसकी अध्ययन करना चाहिए, क्यों मध्यस्थ दर्शन को पढ़ना चाहिए, उसके विषय में चर्चा करना चाहिए। इस दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसे भी लेके आएंगे, और जो मानवीय परंपरा है उसके प्रति कृतज्ञता क्या है। उसको लेके मैं आऊंगा और हम मध्यस्थ दर्शन, जिसको अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन कहते हैं, इसका मतलब क्या है, तब हम धीरे धीरे पूरे मध्यस्थ दर्शन की फिलॉसफी में के दर्शन शास्त्र में हम उतरने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलो, तो जो पहला जो है मेरा लेक्चर में, वो इसी बात को लेके है मध्यस्थ दर्शन में कि मानव मूल्य का तात्पर्य, इसकी आवश्यकता क्या है। वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन वैल्यू डेफिनेशन मीनिंग एंड इट्स नेम। ठीक है, मानव मूल्य को देखने के लिए चल रहे हैं। इस पूरे मूल्य के बाद समझ जानी होगी हमको, मूल्य या मौलिकता, वैल्यूज या इसेंस, एक ही नाम से जाते हैं, ये मानवीय परंपरा में जीने के लिए वो महत्वपूर्ण आधार है जिनमें हम जीते हुए जिसमें जीते हुए हैं, जो एक महत्वपूर्ण पहचान कर पाते हैं और देखते हैं कि मानव मूल्यों की नैसर्गिकता क्या है, मौलिकता क्या है, मानव की मौलिकताएं और विशेषताएं जिसके आधार पर पहचान होती है हमारी। यह बात देखनी होगी कि इस पूरे अस्तित्व में तरह तरह की इकाइयां हैं, इन इकाइयों में सजीव इकाइयां भी हैं और निर्जीव इकाइयां भी हैं, और सभी इकाइयों की सभी मटेरियल का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी विशेषताएं, उसमें मानव का एक अलग स्थान है और विशेष स्थान है, और उसी विशेष पर स्थान के कारण ही मानव हर इकाइयों में अलग दिखाई देता है। जहां इन समस्त इकाइयों में मानव ही सुख की स्थिति में जीना चाहता है, जबकि सभी इकाइयों मानव को सुख में जीने के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए होती है, खड़ी, वो अपने संबंधों को जानती है, समझती है और उस संबंधों की निर्वहन के लिए खड़ी हुई है। तो मानव की मौलिक विशेषताएं जो है,
सुख की प्राप्ति सहयोग के साथ जीना, धीरता वीरता उदारता के दयालुता के भाव में जीना, मानव मानव संबंधों में सहयोग के भाव से जीना, यह इसकी महत्वपूर्ण और फंडामेंटल पहचान है। अब जब हम ऐसे जीते हैं, मानव मानव परंपरा में जब हम एक दूसरे मानव के साथ, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ, विश्व के साथ जीते हैं, तो जीते हुए हमारे अंदर कुछ निश्चित भाव मूल्य और आचरण की अपेक्षा मुझसे की जाती है। जैसे हम विश्वास, सम्मान, प्रेम, कृतज्ञता, ममता, वात्सल्य, इन सब कुछ निश्चित भाव के साथ जीते हुए जब मानव समस्त इकाइयों से अलग है, तो उस मानवी पर और यह सभी इकाइयों में श्रेष्ठ भी है और यही मोक्ष की प्राप्ति भी चाहता है। तो मानवीय परंपरा में, ह्यूमन ट्रेडिशन में जीते हुए इन सभी भावों को जानना है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव है, सम्मान का भाव है, विश्वास का भाव है, करुणा का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, जो भी सभी नौ भाव है। इन्होंने जब मानवीय मानव संबंधों में हम जीते हैं, तो हमारा पिता के साथ भाव होता है, पत्नी के साथ भाव होता है, बच्चे के साथ भाव होता है, माँ के साथ भाव होता है, समाज में हर इकाई के साथ मेरा भाव होता है। और इस भाव में हम जीते हुए चलते हैं, इसलिए ये जो मानवीय भाव है, फीलिंग्स है, और जो उसका कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट, मानव का जो आचरण है, यह दोनों ही उसका फंडामेंटल कैरेक्टर है, यह उसका मूल्य है। इस मूल्य को जानना और पहचानना है कि उसके अंदर धीरता, वीरता, उदारता, दयालुता और संगीतमय अवस्था में रहने की भावना है, यह उसकी नैसर्गिकता है। मानव मूल रूप से दयालु है। क्या मानव इन अभी देखना होगा कि मानवीय भाव में जिन भावों की चर्चा मैंने किया, क्या ये भाव ठीक ठीक से समझ पाता है या उसमें अभी समझ का अभाव है, उसकी अयोग्यता है कि वह इन सभी भावों को मानवीय जीने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता है उन मूल्यों को समझ पाता है या समझने की अक्षमता है, इनेबिलिटी है। तो इन एबिलिटी को, अगर इनेबिलिटी है, तो इन एबिलिटी को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, फिर उसके तरफ कार्य करना पड़ेगा। तो हर स्थिति परिस्थिति में जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इन विभिन्न परिस्थितियों में हम किस तरह से एक करके भैया कौन था अच्छा इन परंपरा में जीते हुए हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या इन बातों की मेरे अंदर अस्पष्टता है कि हर स्थिति परिस्थिति में कैसे मानव मूल्यों के साथ जीना चाहिए या इसका अभाव है। देखिए, समस्त इकाइयों में भाव केवल मानवीय होती है, बाकी सभी लोग मेरे साथ संबंधों में जीने के लिए अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से वो खड़े रहते। भाव तो केवल मानव में ही होता है, विचारों के माध्यम से।
और जब ये हमारे विचारों के माध्यम से परिलक्षित होते रहते हैं तो हम जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, हम जुड़ जाएंगे। हाँ, अब आपके साथ हम बोलिए। तो इन मानव मूल्यों के साथ जीते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। मानव मूल्य वह मूल्य है जिसमें आदमी आदमी की तरह जी सकता है। अगर मूल्य नहीं है तो आदमी ढांचा सिर्फ दिखाई देता है लेकिन उसका जीवन पशुओं की तरह होता है। अगर वो भाव को नहीं समझ पाता है, भाव में सही भाव में नहीं जी पाता है, इसका मतलब जीने के लिए सही भाव और सही विचार होने चाहिए और इस भाव को समझने की जरूरत है। समझने से भी काम नहीं चलेगा, समझ कर उसमें जीने की जरूरत है, तब हम मानव के वहां पर जी पाएंगे। वरना मेरा डिजाइन केवल, मेरा सेब केवल मानव जैसा होगा लेकिन मेरा आचरण मानव की तरह नहीं हो पाएगा। अतः मानव की बात जीने के लिए हमें मानवीय मूल्यों की आवश्यकता होगी। ठीक है, और मानव, और या मैं कह दूं कि मानव को मानव की बात जीने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता होती है वही मानव मूल्य किए जाते हैं, मूल्य कहे जाते हैं, जिसमें हम अपने आचरण व्यवहार वर्क एंड बिहेवियर को देख पाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मानवीयता ही मानव मूल्य है, मतलब मानव की भांति जी और उसके लिए जिन जिन भावों के विचारों के कार्यों की जरूरत हो वही मानव मूल्य है और इसकी विपरीत जो कार्य करें वह जानवर की तरह आचरण है। जानवर चेतना है, जीव चेतना है, मानव चेतना संबंध में जीना, सही भाव में जीना और सही विचार में जीना। इसलिए मानवीयता पूर्वक जीना ही निश्चित मानवीय आचरण है। अब देखना होगा कि सही भाव सही विचार इन मानवीय मूल्यों को ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। जो पूरे कोर्स के दरमियान हम इसकी चर्चा और इसकी गहराइयों में उतरने का प्रयास करेंगे और इसे सुनिश्चित कर पाना होगा कि मेरे अंदर है कि नहीं, और इसको मानवीय मानवीय संबंध में परस्परता में जीने के लिए ठीक ठीक रूप से जी पाना, खुद अपने आचरण को देना जीना, दूसरों को समझना, दूसरों को समझाना और उन्हें भी स्वयं जीना और दूसरों को जीने की प्रेरणा देना, उसमें करनी। ये बात तो हम जानते हैं, ज्ञान के अभाव में न तो मानव जी पाता है, न इसको समझ पाता है और न अपने अंदर भी सुनिश्चित कर पाता है कि क्या मानव मूल्य है, क्या सही भाव सही विचार है, सही आचरण क्या है, किस प्रकार जिया जाए। तो और न ही समझ पाते हैं न ये मानव मानव संबंधों में जीते हुए परस्परता के भाव में इसको सही रूप में अभिव्यक्ति कर पाते हैं। जो इस कोर्स का उद्देश्य है फंडामेंटली वो ये है कि निश्चित मानवीय आचरण मानवीय मूल्य को के विस्तार और मानवीय मूल्य को डिटेल रूप में समझ पाना, पूर्ण रूप से समझ पाना और हर स्थिति परिस्थिति में हर कंडीशन में वैसा ही जीने की योग्यता अपने अंदर विकसित कर पाना, इस कोर्स का उद्देश्य है। इस कोर्स का उद्देश्य यह भी है कि मानवीय मूल्यों को ठीक ठीक से समझ पाना और अपने आचरण में लाना। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उसको वास्तविकता में जिस जीवन में हम जीते इस
उतार चढ़ाव में मूल्यों को बच होता है और उन धर्म मूल्यों के साथ जीने अपने करियर में जो भी कार्य हम कर रहे हैं अपने करियर के साथ साथ पूरा सुखपूर्वक निरंतरता से कैसे जी पाए इसकी योजना बनाना इसकी प्लानिंग कैसे करनी और करते हुए सुखपूर्वक जी पाए। देखिए यही इस कोर्स का उद्देश्य है, यही हमारे पहले लेक्चर में है और इन्हीं को हम 42 लेक्चर तक देखने की समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए जो कार्य आपको दिया जा रहा है ध्यान से समझे पहले लेक्चर की समाप्ति पे कि अपने अंदर बार बार जांच करिए, देखिए कि आप अपने को प्रेम की स्थिति में, सुख की स्थिति में, आराम की स्थिति में कब महसूस करते हैं। जब आपके अंदर विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम का भाव होता है या आपके अंदर अपमान, घृणा, विरोध, ईर्ष्या का भाव होता है, यह देखना पड़ेगा और अपने अंदर जांचे परखे। और यह भी देखिए कि दूसरे व्यक्ति को मेरा कैसा जीवन सुखित होता है, क्या मैं उसे घृणा करूंगा तब वो मेरे साथ रहेगा या मैं उसका प्रेम करूंगा, मैं विश्वास करूंगा तब वो मेरे साथ सुखपूर्वक संबंधों में जिएगा या अपमानूंगा। तो मुझे देखना है कि दूसरे मुझे विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम पूर्वक जीना इसके साथ देखना चाहते हैं या अपमान, द्वेष, विरोध, घृणा, ईर्ष्या पूर्वक जीएंगे। इन चीजों को देखिए, अपने अगल बगल देखिए, समझे और जाने। फिर यह भी देखिए कि समाज में किन्हीं 10 समस्याओं को लिखे और यह भी देखिए कि वो समस्याएं कौन कौन सी हैं जो तकनीकी और व्यवसाय से जुड़ी है और कौन कौन व्यवसाय से जुड़ी है और कौन कौन गलत आचरण से जुड़ी है। और ऐसा करके यह जानने की कोशिश करें कि कौन जो है आदमी तब हम ये इसका निराकरण आगे करेंगे कि उसके किस व्यवसाय के कारण गलत कार्य करता है और तो कौन सा उसके आचरण के कारण गलत कार्य होता है, फिर तो हम इसकी चर्चा कर पाएंगे। सुनने के लिए और आपको धन्यवाद देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि मानवीय परंपरा में जीते हुए जब मैं जीता हूं आपके सामने तो इन मानवीय संबंधों में जीने के लिए अगर मैं स्वयं सुखपूर्वक जी पाता हूं, दूसरों के साथ सही भाव विचार रख पाता हूं, सम्मान, प्रेम, करुणा, दया, धीरता, वीरता, उदारता, स्नेह, सम्मान, कृतज्ञता, सभी भाव के साथ जो भी जरूरी है आचरण के साथ जी पाता हूं, तब मैं खुश रह पाता हूं या कैसा। देखिए प्रयास में मैं लगा हूं आपके साथ जुड़ने के लिए, आपने सुना, यही मेरे लिए सुख, शांति और संतोष का माध्यम है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नई